हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ फलहारी आलू की टिक्की की रेसिपी। फ्रेंड्स, ये टिक्की बहुत ही टेस्टी होती हैं और बनाने में बहुत आसान है, बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती हैं। और सबसे अच्छी बात है कि हमने इसमें घी का यूज़ बहुत कम किया है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फलहारी आलू की टिक्की बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 400 ग्राम उबले हुए आलू लिए हैं, जिन्हें मैंने छील लिया है। फ्रेंड्स, अब इन आलू को ठंडा हो जाने के बाद मैं करूँगी कद्दूकस। यहाँ पर मैंने अपने सभी आलूओं को कद्दूकस कर लिया है। आलू को हमें ठंडा करने के बाद ही कद्दूकस करना है। हमने आलू अपने कद्दूकस कर लिए हैं। अब फ्रेंड्स, हम इसमें यूज़ करेंगे 2 टेबल स्पून सिंगाड़ी का आटा। आप चाहें तो इसमें समा के चावल का आटा भी यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ मैंने यहाँ पे यूज़ किए हैं 1/2 कप मूंगफली। इन्हें मैंने भून कर और मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है। फ्रेंड्स, हमें इसका ज़्यादा बारीक चूरा नहीं करना है। उसी के साथ मैंने यहाँ पर यूज़ किया है थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया, थोड़े सा कटा हुआ अदरक। फ्रेंड्स, अगर आप अदरक खाते हैं तो अदरक का यूज़ ज़रूर करें। उसी के साथ मैंने यहाँ पे यूज़ करनी है 2 हरी मिर्च, जिन्हें मैंने बारीक बारीक काट लिया है, और 1/4 स्पून जीरा। बहुत से लोग फ्रेंड्स जीरा फास्ट में नहीं खाते, जो नहीं खाते वो ना डालें। उसी के साथ मैंने यहाँ पर यूज़ करी है काली मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा सेंधा नमक। अब अपने सभी चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। फ्रेंड, मिक्स करते समय हमें ध्यान रखना है कि ये चीज़ें हमें बिना पानी डाले ही मिक्स करनी है। यहाँ पर मैंने सिंगाड़ी के आटे का यूज़ किया है। आप चाहें तो कूटू के आटा या समा के चावल भी पीस कर यूज़ कर सकते हैं, उससे भी ये टिक्की बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगी। फ्रेंड्स, हमारा डो अच्छी तरीके से मल गया है और इसमें मुझे आटा थोड़ा सा कम लगा, इसलिए मैंने 1 टेबल स्पून आटा इसमें और यूज़ किया है और हाथों पे लगाया है थोड़ा सा घी। अब मैं इसे अच्छी तरीके से चिकना होने तक मलूंगी। देखिए फ्रेंड्स, हमारा टिक्की का मिश्रण बिल्कुल बनकर तैयार है। अब मैं हाथों पे लगाऊंगी थोड़ा सा घी और इसे एक टिक्की की शेप दे लूंगी। इसे इस तरीके से आप टिक्की की शेप दें। अब फ्रेंड्स, इसी तरीके से मैं अपनी सभी टिक्कियों को बनाकर तैयार कर लूँगी। आप टिक्कियों को तैयार करके एक एयरटाइट बॉक्स में फ्रीजर में स्टोर करके रख सकते हैं। हमने अपनी सभी टिक्कियों को बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम रखेंगे एक नॉनस्टिक पैन और उसमें अपनी टिक्कियों को करेंगे सैलो फ्राई। टिक्कियों को सैलो फ्राई करने से पहले हम इस पे लगाएंगे थोड़ा सा ऑयल। फ्रेंड्स, इन टिक्कियों को बनाने में सबसे अच्छी बात यही है कि ये बहुत ही कम घी में बनकर तैयार हो जाती हैं, क्योंकि हम फास्ट में ज़्यादा घी तेल अवॉइड ही करते हैं। अब हम इन्हें बिल्कुल स्लो फ्लेम पर अच्छी तरीके से क्रिस्पी होने तक दोनों ओर से सेकें। फ्रेंड्स, जब तक मीडियम फ्लेम पर क्रिस्पी होने तक हमारी टिक्कियाँ सेक रही हैं, जब तक हम टिक्की के साथ खाने के लिए एक बहुत ही मज़ेदार स्पाइसी चटनी बनाकर तैयार करेंगे। चटनी बनाने के लिए ग्राइंडिंग जार में मैंने यूज़ किया है हरा धनिया। फ्रेंड्स, हरे धनिए के साथ मैंने यहाँ पे यूज़ की हैं 4 हरी मिर्च, क्योंकि हमें अपनी चटनी को स्पाइसी बनाना है, और थोड़ा सा अदरक। इसी के साथ मैं इसमें यूज़ करूँगी 1/2 टेबल स्पून जीरा और फ्रेंड्स 1/2 टेबल स्पून काली मिर्च। काली मिर्च आप अपनी पसंद के अनुसार कम ज़्यादा डाल सकते हैं, और थोड़ा सा सेंधा नमक। इसी के साथ फ्रेंड्स, 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर यूज़ किया है लेमन जूस और थोड़ा सा मूंगफली के दाने क्रश किए हुए, ताकि हमारी चटनी थिक बने। और चटनी के कलर को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे मैंने यूज़ किया है 1 टेबल स्पून दही और थोड़ा सा पानी। अब हम इसे करेंगे ग्राइंड। चटनी हमारी ग्राइंड हो चुकी है। अब हम इसे करेंगे एक बाउल में ट्रांसफर और चेक करेंगे अपनी टिक्कियों को कि वो सिकी या नहीं। फ्रेंड्स, हमारी क्रिस्पी आलू की टिक्की सिककर बिल्कुल तैयार है और इसमें घी भी बहुत कम यूज़ हुआ है। फ्रेंड्स, ये टिक्की खाने में बहुत ही टेस्टी लगती हैं। अब आप इन्हें करें एक प्लेट में सेपरेट और सर्व करेंगे गर्मा गर्म धनिए की चटनी के साथ। फ्रेंड्स, आप एक बार इन आलू की टिक्की की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, आपको ये बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करें,
शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को क्लिक करें ताकि आने वाली मेरी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।